नमस्कार, आप देख रहे हो दितराज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। सहारनपुर जिले में आईटीसी रोड सभागार पर पश्चिमी व्यापारी एकता व्यापार मंडल की युवा नगर कमेटी की एक मासिक बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह वर्मा व प्रदेश महासचिव अनुज गुप्ता व जिला अध्यक्ष पवन गोयल ने कहा कि व्यापार मंडल का हर पदाधिकारी व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है तथा पश्चिमी व्यापारी एकता व्यापार मंडल सूबे के मुख्यमंत्री मां योगी आदित्यनाथ से यह मांग करते हैं जिस प्रकार और प्रदेशों में स्वर्ण कला बोर्ड का गठन किया जा रहा है, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी स्वर्ण कला बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। बैठक को प्रदेश उपाध्यक्ष अजमत अली, प्रदेश सचिव आशीष वर्मा, मंडल अध्यक्ष रवि कुमार और मीडिया प्रभारी मो आजाद उर्फ सोनू ने संबोधित किया। जी, किस प्रकार का प्रोग्राम हुआ है आज? मैं प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी व्यापारी एकता व्यापार मंडल से हरपाल सिंह वर्मा। आज हमारी युवा नगर कमेटी के द्वारा जो है शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम किया गया और हम आज हमारे साथ काफी व्यापारी साथी भी जुड़े और व्यापारी साथियों के साथ साथ हमने कुछ व्यापारियों को नगर की जिम्मेदारी दी है और हम आशा करते हैं तथा अपने हर पदाधिकारी को ये शपथ दिलाई गई है। व्यापारियों की लड़ाई लड़ने के लिए हर व्यापारी कानून के दायरे में रहकर हमारा हर पदाधिकारी व्यापारी की लड़ाई को लड़ने का कार्य करेगा। ऐसा क्या प्रोग्राम होना ये जरूरी था कि जैसे व्यापारियों के ऊपर स्टैंप हो रही है, दबिश हो रही है, जैसे कि जीएसटी लगी थी, जीएसटी के बाद एक नया कानून आया था, तो उसके बावजूद आपके संगठन किस प्रकार से कार्य कर रहा है? हमारा संगठन हर कार्यक्रम किसी भी व्यापारी द्वारा हमारे संगठन द्वारा किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी अधिकारी द्वारा। इसके लिए व्यापार मंडल लड़ाई को सड़कों पर लड़ने का कार्य करेगा। पहले तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग रखी है जो हमारी जो है व्यापारियों के प्रति जैसे स्वर्ण कला बोर्ड का और राज्यों के अंदर जो है गठन होना चाहिए जिस तरह छत्तीसगढ़ वगैरह में हुआ है। तब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये आग्रह करते हैं उनको भी और देशों की भांति प्रदेशों की भांति हमारे प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश में भी स्वर्ण कला बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए जिससे स्वर्ण कला का कार्य करने वाले आज बहुत खूब मरीजे तथा मंदी के कगार पर लोग बात गुजरने का कार्य हो रहा है, उससे उनको राहत मिलेगी और व्यापारियों को काम भी मिलेगा स्वर्ण कला बोर्ड के जब गठन हो जाएगा। तो आप अपने संगठन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संगठन को ये संदेश देना चाहता हूँ, हर व्यापारी संगठित हो। आज की तारीख में संगठित होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आदमी अलग 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 बिखरे पड़े रहेंगे। कोई संगठन नहीं होगा तो बिना गुच्छे के तो अंगूर की भी कोई एक अंगूर की कोई कीमत नहीं होती। सब व्यापारी इकट्ठे होके जब संगठन के साथ चलेंगे तो सरकार को भी पहले भी सरकारों ने मांगे मानी है व्यापारी होगी और आगे भी मांगने का कार्य करेगा। तो हम हर व्यापारी को ये संदेश देना चाहते हैं, व्यापार मंडल से जुड़े, अपने आप को संगठित करें। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।